गार्डन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू मेक प्लांटर्स फ्रॉम द ओल्ड अनयूज्ड टायर्स। इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो। देखिए आज हम आपको बताते हैं कैसे टायर को हम एक प्लांटर की तरह से यूज़ कर सकते हैं। दिखाना, ये एक पुराना टायर था जो कि गाड़ी में से निकला था। जब गाड़ी के टायर्स चेंज हुए थे तो हमने इसको पेंट करके तैयार कर लिया है। इस तरह से इसको तैयार कर लिया। अब इसको प्लांटर कैसे बनाते हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको पेंट करने के बाद इसमें लगाओ, इसमें एक जो सीमेंट वगैरह की बोरी होती है या सब्जी के जो मार्केट से आती है, सब्जी मंडी से बड़े बड़े थैले आते हैं, उन बैग्स को हम इसमें लगा देते हैं। लगाओ इस तरह से, चारों तरफ से लगा के एक बेस तैयार कर लेते हैं। और उससे पहले इसमें जैसे हर प्लांटर में होता है हम एक छेद बना देते हैं। इसमें हमने चार छेद बनाए ताकि इसका ये देखिए ये, ताकि इसमें वाटर इजीली ड्रेन होता है, वाटर क्लॉगिंग ना हो। अब ये इसका एक बेस तैयार हो गया, इसके ऊपर अब हम मिट्टी डालते हैं। मिट्टी डालें, इस मिट्टी में फ्रेंड्स है वन पार्ट गार्डन सॉयल, वन पार्ट कंपोस्ट और वन पार्ट रेत। इनका मिक्सचर लेके हम इसको अपने गमले में भर देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा टायर का प्लांटर हम तैयार कर रहे हैं इसमें इक्वली स्प्रेड कर देते हैं, पूरी तरह से इसको भर देंगे। ये हमारा मिक्सचर जो मैंने अभी सॉइल का बताया था उस हिसाब से हमने अपनी मिट्टी तैयार कर रखी है। इससे अब हम इस पूरे प्लांटर को भर देंगे। ये देखिए सभी किनारों पर सब तरफ से इसको अच्छे से फैला देते हैं ताकि एक बहुत ही अच्छा हमारा बेस तैयार हो जाए। अच्छे से स्प्रेड कर दिया फ्रेंड्स, ये हमारा एक बेस तैयार हो गया प्लांटर के लिए। अब हम इसमें कोई भी अपने मनचाहे प्लांट्स लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा जो गैप है उसको भी हम फिल कर देते हैं। मैंने अपने यहाँ जो बाकी के टायर प्लांटर्स तैयार किए हुए हैं उसमें अभी पोर्टू लाकर लगाया हुआ है। ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग। इसमें भी मैं यही लगा रहे हैं 9 AM प्लांट्स। पहले उसको मिट्टी से अच्छे से बेस तैयार कर लेते हैं जो हमने अपनी सॉइल तैयार की है गार्डन सॉइल, उसको हम ये इस तरह से हाथ में और सैंड मिलाकर किनारे देखिए अच्छे से दबा दबा के उसे ये तैयार कर लिया। इसमें भी अब हम पोर्टुला का लगाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया पोर्टुला का पे कि वो कटिंग से भी लग जाते हैं। अब इसकी कटिंग लगा दो, हम इस पर पोटू लाका या कोई भी आप सीजनल प्लांट लगा सकते हैं। मैंने कहीं कहीं किसी किसी गमले में पुदीना या सौंफ भी लगाई हुई है। इसको वेजिटेबल प्लांटर की तरह से भी या किचन प्लांटर की तरह से भी यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से लगाते हैं पूरे उसमें और फिर हल्का सा पानी को स्प्रिंकल कर देंगे एंड यू कैन मेक अ वेरी ओन प्लांटर फ्रॉम अ अनयूज्ड टायर जो कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं। देखिए उन टायर्स का कितना अच्छा हमने ये यूज़ किया प्लांटर की तरह से। ठीक है, अलग अलग कलर्स में आप इसे लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से हम इन टायर्स को अरेंज कर सकते हैं।
एंड दे गिव वेरी ब्यूटीफुल लुक। ये हमारा ये नया प्लांटर तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने यहाँ भी गाड़ी के जो टायर्स निकलते हैं, या आप टायर की शॉप से भी जाके ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा टायर प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टायर प्लांटर लगाए हुए हैं। इसको मैंने ये देखिए, इसमें पुदीना लगाया हुआ है। ये इधर एक छोटा सा हेज की तरह से मैंने इसे भर दिया है। सो फ्रेंड्स, यही मेरा आज का वीडियो था। आशा आपको पसंद आया होगा। आप भी अपने घर में पड़े हुए ओल्ड अनयूज टायर्स को यूज़ करके ब्यूटीफुल टायर्स बनाइए और अपने गार्डन को सजाइए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंक्लूड करती हूँ। बाय बाय।